हे नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो यू हैव अ नॉलेज ऑफ टेंस एंड यू आल्सो स्पीक डेली रूटीन एंड पास्ट इवेंट। यू स्पीक लिटिल बिट इंग्लिश, बट इन दिस टाइम यू नीड अ पार्टनर, बिकॉज इफ यू वांट टू फ्लुएंट योर इंग्लिश सो यू नीड अ पार्टनर दैट आई कैन स्पीक विथ हिम और हर। बिकॉज इफ आई हैवंट एनी पार्टनर सो हाउ कैन आई speak too perfect. So you are alone at your home and you think, oh God, how can I speak English and how can I do a practice English speaking without a partner. So this video is miracle for you. So watch this video till end and don't skip this video. तो बच्चों, मैं एकदम सिंपली से बता देता हूँ कि अगर आप टेंस डेली रूटीन कंप्लीट कर चुके हो और अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने आती है ना, लेकिन इसके बावजूद आप सफरिंग कर रहे हो कि मेरे पास एक अच्छा पार्टनर नहीं है, क्योंकि जब तक मैं कम्युनिकेट नहीं करूँगा, जब तक मैं उसके साथ डिबेट नहीं करूँगा, सो हाउ कैन आई फ्लुएंट स्पीक इंग्लिश। सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू, बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल टेल यू विदाउट पार्टनर हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश। ओके, सो आप लोगों ने बहुत पहले, मैंने डे वन और डे टू में डेली रूटीन आप लोगों को सिखाया था, ठीक है ना। एक्चुअली मैं मुझे ये वीडियो मेरे ख्याल से डे सिक्स और डे सेवन में ही अपलोड कर देनी चाहिए थी, बट अब मुझे जैसे जैसे मतलब डे 15 डेज का जो चैलेंज, उसका एक एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट मैं बनाना चाह रहा था इसमें, इसलिए सोचने में थोड़ी टाइम लग रही, बट नाउ आई एम हियर। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेली रूटीन और सिंपल पास्ट टेंस का अगर पावर आपके पास है, मतलब ये वरदान है फॉर बिगिनर्स जिनके पास, वो घर में अकेले जिनके पास कोई पार्टनर नहीं है, तो ये अगर आप स्पीक करना चाहते हैं, ठीक है, तो डेली रूटीन और पास्ट इवेंट के थ्रू बहुत अच्छा स्पीक कर सकते हो। कैसे? सो लेट स्टार्ट। सपोज मानो आपको क्या करना है इन अ डेली वे, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सो डोंट थिंक कि आपको एकदम बैठ कर आराम से पालथी मोड़ कर कॉपी किताब निकाल कर ही डेली रूटीन स्पीक या इंग्लिश को स्पीक करना। इंग्लिश इज जस्ट नॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। सो इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश तो डोंट बी अ टू हेडेक, जस्ट अ नॉर्मल वॉक, कुक, एनीथिंग, एनी वर्क यू आर डूइंग, ठीक है। तो बस जस्ट ट्राई टू स्पीक अ लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा बोलने का ट्राई करो। अब देखो क्या करना, नहीं कि अगर आपको फ्लुएंट लाना है लेकिन आपको भाई प्रैक्टिस करने के लिए कोई आपके साथ नहीं है, तो क्या करो कि आप डेली वे में अपना डेली रूटीन स्पीक करो और अपना कल जो आप काम किए एग्जैक्टली, क्योंकि डेली आप कुछ अलग काम करते हो। अगर आज आपका जो वर्क है जरूर कल आप उससे कुछ अलग किए होगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कल संडे था तो मैं डेली अपने फ्रेंड के घर नहीं जाता हूँ, और वहाँ से जाने के बाद मैंने जो जो एक्टिविटी की वो एक्टिविटी डेली नहीं करता, तो कल मैंने किया, तो वो पास्ट इवेंट में उसको क्या करो, स्पीक करने का ट्राई करो। तो इससे क्या होगा ना कि जब आप डेली जो पीछे कल जो वर्क किए या आज जो वर्क किए, तो डेली रूटीन आपको कब बोलना है, रात में, ताकि दिन भर का जो काम कर लो, और पास्ट इवेंट बोलना है पिछले वाले बीते हुए दिन का, और इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। सो अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो कोई भी चिंता की बात नहीं, डेली यही करो। डेली बेसिस पे क्या करो कि डेली आप रात को डेली रूटीन बोलो जो आपने दिन भर की एक्टिविटी की। हर बार आपको न्यू वर्ड और न्यू सेंटेंस मिलेंगे, क्योंकि आप रोज अलग अलग काम करोगे, और जो कल का बीता हुआ काम है उसको पास्ट इवेंट में ट्राई करो कन्वर्ट करने का। एक चीज आप देखोगे कि सिर्फ पास्ट इवेंट जब आप बोलोगे तो यू आर नॉट ओनली स्पीक अ फुल पास्ट इवेंट और सिंपल पास्ट टेंस, आप यूज करोगे समटाइम्स अ पास्ट कंटिन्यूअस ऑल्सो, एंड यू आर ऑल्सो यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ऐसे जब आप ट्राई करोगे तो आपको कोई भी पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी। और आप क्या करोगे ना, जब डेली बेसिस पे परफॉर्म करोगे तो आपका जो इनर का कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। जब बूस्ट हो जाएगा ना तो आपका मतलब कि आप किसी भी स्पीकिंग वर्ड में और किसी भी सेंटेंस को बहुत इजिली से स्पीक कर पाओगे। तो आज से ओनली टेक अ वन वीक चैलेंज, ज्यादा नहीं, बस एक हफ्ता के लिए अपने आप को
डेली बेसिस पे ट्राई करो, किसी को कुछ नहीं बोलना कि डेली आपने दिन भर में जो काम किया, रात को आराम से सो के चद्दर में आराम से ऐसे करके ओढ़ के सोए हो, अगर नहीं भी चद्दर, गर्मी का दिन है चद्दर नहीं ओढ़ो आराम से, बस क्या करना है 5 मिनट देना है और अपने दिन भर के काम को याद करके जितना लंबा हो सके डेली रूटीन परफॉर्म कर लेना है। कल क्या किए, कल आप किसी भी टाइम पे, आप जब आपको फ्री मिल रहा तो कल के बीते हुए जो काम है उसको पास्ट इवेंट में कन्वर्ट करके स्पीक कर लेना। तो इसमें क्या होगा ना, जब आप डेली बेसिस पे स्पीक करोगे तो आपको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप डेली न्यू सेंटेंसेस को स्पीक करो। जब ये हो जाए तो कोई कोई टॉपिक्स को भी बीच में टच कर लेना, लाइक अ वाटर, लाइक अ फार्मर, और उस पर भी 2-4-5 लाइन मैंने सन सिस्टम आपको समझाया उस पर स्पीक करने का ट्राई करना। सो ये सबसे बेस्ट वे है डेली रूटीन और पास्ट इवेंट को। जब हम लोग स्टार्टिंग में सीखते हैं तो बहुत छोटा सा कि हल्का फुल्का बोले डेली रूटीन और पास्ट इवेंट और निकल गए, बट नहीं, ये आज आपके लिए, ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो ये वरदान साबित होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के थ्रू ना आप अगर सीख गए कि डेली रूटीन और पास्ट इवेंट को कैसे यूज करना है, तो आप बिगिनर्स हो या फिर आप बहुत अच्छे भी स्पीक कर रहे हो लेकिन भूल गए हो कि भाई बहुत अच्छा स्पीक होता था, अब तो थोड़ा सा प्रैक्टिस मोड में लाना है, तो ये आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि ऑल टाइम्स कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा कि आप उसके साथ कम्युनिकेट कर पाओ, आप उसके साथ स्पीक कर पाओ, मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो, ठीक है। सो ये ट्राई करो और जब आप स्पीक करोगे सो यू मतलब ऑलरेडी फील बेटर। सो वीडियो आज का मेरा इसी टॉपिक पे था कि डेली रूटीन और पास्ट इवेंट को कैसे यूज़ करके अगर आपके पास कोई पर्सन नहीं भी है तो आप स्पीक अच्छा कर पाओ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। और एक चीज़ तो मैं बताना आप लोगों को भूल गया कि ऑलवेज ट्राई करना, ऑलवेज कि जब भी आप डेली रूटीन और पास्ट इवेंट बोल रहे हो तो आप उसमें एक स्टोरी जरूर क्रिएट करना, समझ रहे हो ना मेरी बातों को, क्योंकि समटाइम्स वो स्टोरी रियल होंगी, समटाइम्स वो स्टोरी फिक्शंस होगी, मतलब थिंकिंग में, क्योंकि आपको एक सेंटेंस को लॉन्ग करना है, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से वर्क करोगे ना तो आपका मतलब कि स्पीकिंग बहुत ज़्यादा 4 चांद लग जाएगा। सो थैंक यू बच्चों, इस फॉर्मूला को ट्राई करके देखो, डेफिनेटली आपको इसमें 100% रिजल्ट मिलेगा। चलो, थैंक यू।